क्या क्या परेशानी है? हाँ क्या परेशानी है, बातचीत करने में क्या परेशानी है? देखिए बात यहाँ पे नहीं, गुस्सा मुझे कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और एक तरफ से अच्छा है, एक तरफ से बुरा, दोनों ही है। अच्छा कैसे? अच्छा कैसे, ये बोला, ये गलत बोला उनने, किसको मालूम है, कोई कह के जाएगा? लेकिन आप जैसे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि सही हुआ है। कैसे? आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खाली इस्लाम के अंदर एक ही सपोर्ट कर रहे हैं बस, कि ये इस्लाम के अंदर जो हुआ गलत हुआ, यूं कहने का मतलब ये। बताइए, और ये जो है ठीक, इसके दो तीन घर आप देखेंगे जहाँ पे पुलिस की, वहाँ पे दो चार कॉन्स्टेबल बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपके रियाज का घर है, ये पड़ोसी हुए उनके। तो चलिए आइए हम लोग बातचीत करते हैं और समझते हैं कि पड़ोसी क्या मतलब क्या सोचना है उनका। नाम क्या हो भैया आप? मेरा शरीफ मोहम्मद। क्या कहना चाहेंगे? उदयपुर में ये जो घटना हुई है हिंदू का, हाँ पूरे देश के लिए ये निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको भाईचारे से रहना चाहिए, भले हिंदू हो भले मुसलमान हो, सबको आपस में भाईचारे से रहना चाहिए और ऐसी घटना दोबारा ना हो, प्रशासन को कुछ ऐसा। अच्छा एक बात बताइए, आपने बहुत अच्छा सवाल मतलब एक बात कही कि ऐसी दोबारा घटना ना हो, इसके लिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए दोनों को, कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? जो जो कानून दे जो अच्छा है। मतलब एक जैसे मैं लोगों से बातचीत कर रही थी तो लोगों का मांगना था कि भाई ठीक है उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको इस तरीके से बोलना, आपका क्या मानना है? आपका आपके दो तीन घर छोड़ करके उसका रियाज का घर है, ठीक है, उसने ये इतनी घिनौनी हरकत की है, ठीक है, दिन दहाड़े जा करके किसी भले मानुष का सर काट देना है ना, उस पर आप क्या कहिए? पहुँचता है लोगों पर ऐसी घटना से, लोगों पर गलत मैसेज पहुँचता है। सज़ा क्या मिलनी चाहिए? सज़ा तो जो कानून दे वो समझते ना। आप अपने हिसाब से क्या सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो इंसान को इंसान ना समझ के जानवर समझ के उसने इतना बुरा किया, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ जो जनता चाह रही है फांसी हो, फांसी देनी चाहिए। आप भी चाह रहे हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए, मतलब कि एक समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि दोबारा जो है ये घटना ना हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ नहीं थोड़ा सा बातचीत में, क्या क्या परेशानी है? हाँ क्या परेशानी है, बातचीत करने में क्या परेशानी है? देखिए बात यहाँ पे नहीं, गुस्सा मुझे कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। एक होता है ना कि जो ठीक है कि किसी के घर में कोई मरा है तो उसमें गुस्सा होता है, हम हिंदू समाज में हम लोग गए, हमने हिंदुओं से बातचीत की तो उनके अंदर एक गुस्सा मुझे नज़र आया, लेकिन यहाँ पे मुझे इग्नोरेंस नज़र आ रही है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये महिला जो है वो अपने पति को कह रही है कि जी आप इनसे बात मत कीजिए, आप इनको आप तवज्जो मत दीजिए। आप देखिए कितने ज़ोर से इन्होंने दरवाज़ा को पटका है, जैसे पता नहीं हम कौन हैं, हम क्या बातें करना चाहते हैं। मुझे गुस्सा कुछ, भैया क्यों नहीं है गुस्सा? आपके पड़ोसी ने इतनी घिनौनी हरकत की है, गुस्सा क्यों नहीं है? गुस्सा सबके दिलों में भरा हुआ है, जाहिर हो रहा है ना, सारे बंद हो रहे हैं, गुस्सा इतना हो ही रहा है, जनता में आक्रोश है। अच्छा ये बात है। अच्छा एक और बात मैं अगर आपसे पूछूं, जब मैं इलाके में घूम रही थी, जब मैं लोगों से बात कर रही थी, हिंदू भाई बहनों से भी मैंने बात किया, चुनिंदा घर है, मैं खुद भी देखा, नाम पढ़ के मैंने देखा तो बहुत कम यहाँ पे हिंदुओं का घर है। कारण क्या है इतना कम? मुस्लिम इलाका है यहाँ तो, मुस्लिम इलाका है, हमेशा से ही मुस्लिम इलाका है, शुरू से ही मुस्लिम इलाका है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने सुना कि यहाँ पे ज़्यादा हिंदुओं का वर्चस्व था, हिंदू घर थे, ऑलमोस्ट हिंदू घर थे, अब यहाँ पे सिर्फ 25% बचे हैं। नहीं नहीं शुरू से मुस्लिम हूँ। कई सारे लोग बेच के भी गए हैं यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी, कम दाम पे जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच के भी गए। अपनी मर्जी है कोई कहाँ रहना पसंद करता है, बेच के गए हैं यहाँ पे हिंदू। हमें आइडिया नहीं, हम तो अभी के हैं, हमें तो 5-10 साल ही हुए यहाँ। अच्छा तो ये सारी बातें। अच्छा ये कैसा था, ये व्यक्ति कैसा था? अगर जैसे ये व्यक्ति था, क्या इसका रवैया कैसा था इसका? हम यहाँ रहते नहीं, हम तो दूसरी जगह रहते हैं। यहाँ पे अभी आए हैं? अभी आए हैं हम तो। अभी चाचा आपका नाम? मोहम्मद असलम। घटना सुनी है आपने जो 4 दिन पहले हुई? जी जी। आप ही के शहर की घटना है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, सहयोगी बनना चाहिए। मैं पकड़ रहा, बोलिए। सहयोगी होना चाहिए साहब, ये करा तो अच्छा ही नहीं, सहयोग होना चाहिए, एक ही बात होना चाहिए, एक ही। सहयोग से मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब सहयोग तो ये एक, जैसे ये इतने सालों से रह रहा है, रह रहे हैं, सहयोग बना के इसी सालों से ही रहना चाहिए, मतलब भाईचारे से रहना चाहिए। भाईचारा कैसे बनेगा, एक जो पक्ष है वो दूसरे पक्ष का दुकान में जा करके गला रेत दे रहा है। अब किसने मुसलमान है तो इतने ये कांड करा है, किसको मालूम है? मालूम किसी को है ही नहीं, सब अंधेरे में रात है, तो ये उसी हिसाब से हो गया तो किसको मालूम है कि ये होगा, किसी को मालूम तो ही नहीं। मतलब एक बात बताइए, उस आदमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आदमी अपने मोहल्ले में रहता है, वो वीडियो बनाता है, वो ये लोग बात करता है कि रसूख के गुस्ताखे नबी की एक ही सजा है, सरतन से जुदा है, तरतन से जुदा है, लोगों में एक वो मैसेज देने की कोशिश करता है ना, दहशत फैलाने की कोशिश करता है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मुसलमान के बारे में? मुसलमान में तो ये क्या तो करा तो गलती है,
और एक तरफ से अच्छा है एक तरफ से बुरा, दोनों ही है। अच्छा कैसे? अच्छा कैसे? ये बोला, ये गलत बोला उनने। किसने? उस टेलर ने। टेलर ने गलत बोला? जभी तो हुआ ये बच्चे पे। टेलर की गलती है मतलब? हाँ। गलती टेलर की। अब ये सुना है देखो अपन ने। हाँ। क्या सुना है आपने? ये सुना बस, ये सुना क्या आप? जो आपने ये लोगों के सुनते हुए आए हैं। हाँ। और ये बात एक दूसरे की सुनते हैं। हाँ। लोगों की बातें सुनते हुए आ रहे हैं बस, और क्या भाई, इनकी गलती इस्लाम के मामले में गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब एक फोटो लगाना क्या इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि उसका गला मतलब आप काट दीजिए? सही आपने बोला चाचा, इस घटना को आपने सही बोला है। लेकिन ये अब किसको मालूम है ये ऐसा कांड होगा? किसको ही मालूम नहीं है भैया। आपको क्या लगता है, इस तरफ एक बार आएंगे क्या? इस तरफ एक बार आ जाइए, थोड़ा मैं बात करना चाहती हूँ। एक तरफ इस तरफ आइए। हाँ वो भी है, बात करना चाहूँगी। एक मिनट इधर आएंगे भैया, बात करना चाहूँगी। आइए आइए, बात वैसा नहीं। आइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है राजकुमार वैष्णव। अच्छा राजकुमार वैष्णव जी, एक बात बताइए, जैसा कि चाचा कह रहे हैं ये जो घटना हुई है इस्लाम के बारे में गलत बोला उसने, तो इसीलिए उसके साथ ये हुआ है। सही भी हुआ है और गलत भी हुआ है, आपका कहना चाहेंगे? ये तो गलती है। हाँ? गलती हुआ उसके साथ में। हाँ? एक हिसाब से तो। हाँ? जो टेलर के साथ में हुआ वो तो एक हिसाब से गलती। इस हिसाब से भाईचारा बनेगा क्या? क्या लगता है, इस हिसाब से भाईचारा बनेगा? इस थिंकिंग के साथ भाईचारा बनेगा क्या? इस थिंकिंग के हिसाब से भाईचारा नहीं बन सकता है। भाईचारा नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा ऐसा अगर होता है माहौल तो भाईचारा नहीं बन सकता। बाकी है क्या, भाईचारा बन के रहे तो अच्छा ही है। ये किसके तरफ से, चाचा एक बात बताइए, ये भाईचारा जो है वो किसके तरफ से तोड़ा जा रहा है? मैंने ये तो नहीं सुना कि हिंदू ने जाकर मुसलमान का गला रेत दिया। इतना गलत बोला जाता है हिंदू के देवी देवताओं के बारे में? सोते हैं कभी होता है किसी का मटर हो जाता है, ये कर जाता है, ये तो सलट जाता है क्या? अब ये हजूर के मामले में इतना बोला तो कुछ वजह सही है, मतलब हजूर के बारे में इतना बोला तो ये सही किया, दोनों ने सही किया। हाँ गला रेत, ये तो गलत करा है, काटा जो हाथ पर तोड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। हाँ। ये हाथ पैर तोड़ देते, देखिए ये बात अब सुनिए, ये कह रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ देते, ये कर देते, लेकिन मतलब इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो है सही भी उन्होंने किया है, मतलब उन्होंने अल्लाह के बारे में गलत बोला है तो इसलिए उनको ये सज़ा दी गई है। ये एक बात बताइए चाचा, ये जो गलत मैसेज आप देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप सबको, ये आप गलत मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहे? नहीं गलत, वो बात सही है, लेकिन जो सबके साथ जो हो रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान का इस तरीके से गला रेत दे रहा है, तो सरेआम गला रेत दे रहा है। मेवाड़ में भी यही बोला था भाई, हर चीज सहयोग बना के रखो। सहयोग कैसे बनेगा चाचा, एक तरफ एक मुसलमान जो है हिंदू का गला काट दे रहा है, सहयोग कैसे बनेगा? सब एक दूसरे के आंकड़े में जुड़े हुए हैं ना। कैसे जुड़े हुए? धंधे के मामले में। अच्छा धंधे में तो जुड़े हैं, सब कुछ जुड़े हैं, गला रेत दिया इसको आप सही कह रहे हैं? कैसे सही कह रहे हैं तो इस बात को कैसे सही कह रहे? तो धंधा तो एक दूसरे के चलता है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, कोई भी बैठ रहा है मेरी गाड़ी में तो मैं ले जा रहा हूँ। अब तो कोई अच्छा मान लीजिए आपने ये जो कहा कि कोई भी बैठ रहा है आपकी गाड़ी में आप लेके जा रहे हैं, अभी जैसे ऐसी थिंकिंग रहेगी जैसे आपने कहा कि उसने सही किया है, उसने मतलब ये गला रेत दिया जाके, तो आपकी गाड़ी में लोग बैठने में सोचेंगे ना हिंदू, एक बार सोचेगा? सभी सोचेंगे ना, सोचेगा ना हिंदू आपकी गाड़ी में बैठने में? सभी सोचेगा, बताओ सोचेगा कि नहीं सोचेगा? आगे मैं बात कर सकता हूँ, आगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सुनी हुई बातें आज जैसा आप सुन रहे हो सब। अच्छा भैया एक बात बताइए, ये चाचा ये जो बात कर रहे हैं आपको कुछ समझ में आ रही है क्या जो ये बात बोल रहे हैं? ये गलत बात है, गलत बात है। ये तो सरासर बोल रहे हैं कि अच्छा किया काट दिया। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं ये अच्छा नहीं, नहीं अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। बोल रहे हैं कि भाईचारे की ये बात कर रहे हैं, क्या भाईचारा इस हिसाब से पॉसिबल है कि एक तरफ ये घटना को बोल रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह के हिसाब से हाथ पैर तोड़ देना चाहिए था, हिंसा पूरी तरीके से उसके साथ मतलब हाथ पैर उसका तोड़ देना चाहिए था, ये बात ये कर रहे हैं, क्या ये सही कह रहे हैं ये बात? नहीं ये तो गलत है, पर ये है कि इस जगह पे क्या अच्छे से अगर मिलजुल के रहे तो ठीक है। अरे मिलजुल के कैसे रहेंगे भैया, देख रहे हैं ना सामने, एग्जांपल देखिए ना आप, वही देख रहे हैं। हाँ। पर किसके लिए कुछ गलत, ये देख करके आपके मन में क्या बातें चल रही हैं अभी कि ये ऐसी सोच है, ये क्या बातें चल रही है आपकी ये सब देख करके? ये सब दंगे की भावना हो रही है। हाँ। ये दंगे की भावना हो रही है, तो ये दंगे की भावना हो रही है। ये बात जो इन्होंने कही है इस पे आप एक हिंदू हैं, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मुझे तो बड़ा सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है फिलहाल, आपको आपके अंदर गुस्सा तो है ना, ऐसा काम करे गुस्सा नहीं आएगा क्या? ऐसा काम करेगा तो गुस्सा आएगा ही ना, ये तो गुस्से वाली बात ही है। अगर यहीं पे किसी हिंदू के मुसलमान के साथ ऐसा हुआ होता, अच्छा चाचा एक और बात बता दीजिए, किसी मुसलमान के साथ ऐसा हुआ होता, ठीक है किसी हिंदू ने किसी मुसलमान के साथ, तब भी आप ये सही कहते क्या? जैसे कांड हुआ था ना मुसलमान के साथ, वहाँ कहाँ पे? राजनगर। हा? उसको राजनगर काट दिया था, मार दिया था पावड़े से, राजनगर में। राजनगर में कौन सा कांड हुआ था भैया, कौन सा कांड हुआ था राजनगर में? क्योंकि मैं यहाँ की नहीं तो मुझे मालूम नहीं है।
राहत नगर में कौन सा कांड हुआ था? वो हुआ था इनके जो कोई बलात्कार का मामला, बांग्लादेशी वाला ज्यादा था। पूरा मामला क्या था? रेप का मामला था। अच्छा, एक रेप का मामला और यहाँ पे सिर्फ एक फोटो लगाया, नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसका फोटो लगाया बस, है ना? तो ये आप दोनों को सही मतलब एक ही तराजू में तोलते हैं कोई क्या? मतलब उसको कोई एक्शन नहीं लिया मुसलमान ने, मुसलमानों का। अब ये जो काम कराए तो ये तो दो ही तरफ पलड़ा भारी रहता है, इधर भी भारी रहता है, इधर भी भारी रहता है। मतलब आपके हिसाब से ये जो घटना हुई है सही हुई है? घटना हुई है सही के मामले में कौन नहीं बोलेगा? आज अपने धर्म में मैं आपको बोल दूंगा कि इसने नहीं, हिंदू तो गला नहीं काटता भैया, हिंदू गला नहीं काटता। अरे नहीं काटता, लेकिन किसको मालूम था? किसको मालूम है कोई के जाएगा? लेकिन आप जैसे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि सही हुआ है। कैसे? आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खाली इस्लाम के अंदर एक ही सपोर्ट कर रहे हैं बस, कि ये इस्लाम के अंदर जो हुआ गलत हुआ, यूं कहने का मतलब ये नहीं। क्या अब क्या बोला आपने, ये जो इस्लाम में जो हुआ, हमारे इस्लाम में हमारे जो हजूर है ना उन्होंने, या हाँ हमारे जो अल्लाह बोला है तो किसी ने गलत बोला, यूँ गलत बोला। और ये जो काटा, ये जो दिन दहाड़े काट दिया, इस पे क्या? ये हरकत कैसी है? ये हरकत सही है कि गलत है, ये बताइए ना मुझे आप। कौन सा ये जो हरकत है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोलेंगे? दिन दहाड़े काट दिया जा रहा है हमारे हजरत को, हमारा तो हजरत के ऊपर चलते हैं। आप भी काट दीजिए क्या किसी को? आपके सामने कोई बोलता है कुछ भी, किसी भी टिप्पणी करता है तो गला काट? मैं तो इस चीज को समझता ही नहीं हूँ, मैं तो इस चीज को समझते नहीं, ये तो उठती हुई बात है, अपनी सुनते ये सुनते ही मैं। मतलब ये देखिए आप इस तरीके से लोगों में थिंकिंग है, जो ये भाईचारे की बात होती है ना, लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाइव एग्जांपल है। देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो बात हुई है वो सही हुई है, मतलब हमारे उसूल के बारे में, हमारे रसूल के बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता, और ये जो कांड किया गया है ये कहीं हद तक उस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये लाइव एग्जांपल है, ये जो लोग कहते हैं कि भैया हिंदू मुसलमान जैसे कोई चीज़ नहीं होती है, बीजेपी भड़काती है, ये वो करती है, ये लाइव एग्जांपल है। देखिए ये इनका मानना है और ये यहीं के वासी हैं और इनका मानना है कि उन्होंने ये बात सही की है। मैंने आपको उदयपुर में लाइव एग्जांपल में आपको ये बात बता रही हूँ, यहाँ पर ये हिंदू भाई खड़े हैं। आपका नाम भैया, आपका नाम क्या है? नाम बताइए ना अपना नाम। नाम बताना, भरत नाम है, भरत। कोई दिक्कत नहीं, नाम बोल। क्या सोचेंगे इस कांड को? ये देखिए सीधा सीधा यहाँ पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको? मैं क्या बताऊँ इसमें मैडम, मैं कुछ नहीं बता सकता यार। अच्छा, नाम क्या हुआ भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद सराफत। अच्छा मोहम्मद सराफत, ये राजधर में हमारा चैनल, वो चैनल। आप एक बात बताइए, जो कांड हुआ इसको किस तरीके से देखते हैं? उदयपुर में जो कांड हुआ है, दिन दहाड़े कर्फ्यू लगा हुआ है, लाखों लोगों का धंधा चौपट हुआ पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो ये मैडम जो गलत है, जो तो गलत ही है। गलत कौन है? गलत मारने वाले गलत है ना। लेकिन ये जो चाचा है, वो जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि जिसने गलत मतलब उस टेलर ने गलत किया, इसलिए उसके साथ ये जो हुआ वो सही। टेलर ने चाचा की सहमति थे, उसने अगर गलत बात बोली होगी, जैसे नूपुर शर्मा का नाम आ रहा है, अब इसमें अपन क्या कह सकते हैं, उन्होंने क्या बोला जो भी अपन को पता नहीं, अब इन्होंने कन्हैया लाल ने भी क्या बोला वो भी अपने को पता नहीं, अब कैसे ये वारदात हुई उसका खुलासा अभी तो आमने सामने जब होंगे, ये जब पूरी बात खुलेगी। उस मुसलमान के बारे में आप क्या कहेंगे जिस मुसलमान ने दिन दहाड़े एक हिंदू का जाके गला काट दिया, उस मुसलमान के बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या कहें मैडम, उसने कुछ गलत बोला होगा ना, उसको कुछ गलत बुरा लगा होगा, उसने बुरा लगेगा तो गला काट देंगे क्या? नहीं, गला नहीं काट सकते, कानून व्यवस्था कहाँ गई? कानून सबके लिए बराबर एक है ना मैडम। अगर आम पब्लिक अगर एक दूसरे को मारने लगेगी तो फिर प्रशासन कहाँ गया? तो आप इस चीज को गलत मानते हैं कि नहीं मानते? मानते ना मैडम गलत। क्या उपाय है फिर, क्या उपाय है? क्या मुसलमानों में ये जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि नहीं है कि भैया 72 हुरे कुछ नहीं होती हैं, ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं, शिक्षा की तरफ मतलब लेके जाना चाहिए। ये कैसे होगा जब देखिए चाचा ऐसी बातें कर रहे हैं, सामने में लाइव एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। सही बात है मैडम। क्या कैसे सुधरेगा ये सब चीजें, कैसे सुधरेगा भैया? प्रशासन सुधारेगा मैडम, प्रशासन सुधारेंगे, आप जैसे लोग सुधारेंगे, इन जैसे लोग सुधारेंगे ना। अपन तो भारतीय देश है, भारत अपना भारत देश महान है। भारत देश तो महान है, लेकिन ये जो बात बोली जा रही है कि भैया उसने जो बात किया, नहीं आपका नाम नहीं, मैं सबसे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही थी लोगों से, मैं जैसे चाचा वहाँ अंदर बैठे हुए हैं, मैंने घटना के बारे में पूछा कि ये घटना पे आप क्या सोचते हैं। चाचा ने कहा जी कन्हैया लाल ने गलत किया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, हाथ पैर तोड़ देना चाहिए था उसको, मारा ये गलत। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, आप बात करो। देखो आप जान रहे हो स्थिति के हिसाब से, जिस हिसाब से बात करेंगे अभी तो आपको खुद को पता है। मतलब ये एक आप देखिए कि मुसलमान जो है वो सीधा सीधा कह रहा है कि उसने रसूल के बारे में गलत बोला तो इसलिए उसके साथ ये हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हिंदू भी हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि जी हम नहीं बोलेंगे। तो मतलब अपनी अपनी जागरूकता होती है कि एक कौम के अंदर इतनी जागरूकता है कि वो बोल रहा है, या फिर आप ये कहिए जागरूकता कहिए, या फिर पता नहीं क्या घुट्टी है क्या कहिए, कि जो
अब इसके बाद मैं स्तब्ध हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँ इसके बाद।